स्टार्ट। सो गाइस, मैं अभी एक्चुअली जा रहा था अजीमला टेम्पल के लिए, बट ये जो प्यारे से जो अंकल है ये मुझे मिल गए। आपका नाम आपने बताया? मेरा नाम संतोष। संतोष, तो संतोष भाई हमको मिले और उन्होंने इनको फ़ोन करके बुलाया जो दिल्ली में रहते हैं, जिनको बहुत अच्छे से हिंदी आती है। तो उन्होंने मुझे अभी एक जगह दिखाने के लिए बुलाया है। तो यहाँ पे ये जगह का नाम आपने बताया? आरनमुला। ये जगह का नाम आरनमुला है, जहाँ पे मैं अभी जस्ट खाने के लिए रुका था। और यहाँ पे बोट रेसिंग होती है और ये जगह है जहाँ पे लोग बैठ के यहीं पे देखते हैं। और यहाँ पे जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स जो होते हैं, आप ये जगह बताइए, तो यहाँ पे जो बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स होते हैं वो यहीं पे आके बैठ के देखते हैं। तो गाइज, ये जो रेस होती है वो मेरे ख्याल से उस कॉर्नर से स्टार्ट होती है, करेक्ट? हाँ जी, तो करेक्ट। उस कॉर्नर से ये स्टार्ट होती है। और ये रेस कितने घंटे का होता है अप्रोक्स? ये अत्रवाणी क्यों रहते हैं मामा? रेस कितना, रेस अप्रोक्स कितने किलो मतलब टाइम तक चलता है? രാവിലെ കാലത്തെ 12 മണിക്ക് തുടങ്ങും, 3:30 4 മണി ആകുമ്പോൾ അവസാനിക്കും। 12 बजे से अप्रोक्स 4 बजे तक, 12 से 4 बजे तक ये रेस होता है यहीं पे। तो अगर इन फ्यूचर किसी को भी आना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे आइए और देखिए कि जो बोट रेसिंग होती है वो कैसी होती है। तो यहाँ पे कुछ टिकट वगैरह लगता है? टिकट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ, सो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और जब भी आपको, क्योंकि एक्चुअली मैंने सुना था कि केरला में जो बोट रेसिंग होती है, पर कभी देखा नहीं था। लकीली मुझे संतोष भाई मिल गए, एक्चुअली उन्होंने मुझे देख लिया, उन्होंने देखा कि मेरा जो गाड़ी का नंबर है वो MH है, तो वो लेके आए और उन्होंने दिखाया। तो इन फ्यूचर कभी भी किसी को भी अगर आना है तो यहाँ पे आइए और आप बोट रेसिंग यहाँ पे कभी होता है, कौन सा मंथ होता है यहाँ पे? ये एक फेस्टिवल होता है ओणम। ओणम के दिन, हाँ हाँ पता है पता है। तो ये जो बोट रेसिंग होता है ये ओणम फेस्टिवल के दिन होता है। सो गाइज, जिस किसी को भी आना, आप आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे आप बैठ के देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।